ठीक है, सरकार कार्रवाई कर रही है, बीजेपी का जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो टूटना प्रारंभ होगा। क्या उनको आदमी की कमी हो गई है? आदमी की कमी हो गई है इसलिए दूसरे को टूटने का इंतजार कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद के ध्वज को लेके ही दुनिया से फिर विदा होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक News24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल लगातार तेजस्वी यादव आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं और ग्राफ भी जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर, उन चीज़ों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, आरोपी अगर किसी पर आरोप लगाता है तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है। प्रतिपक्ष के नेता को कभी अपना अतीत झांकना चाहिए और जब उनको अपना अतीत देखेंगे तो किस तरह से अपराध और किस तरह से भ्रष्टाचार वो लोग किए हैं तो उनको शर्म आएगा। कल सर एक ट्विटर हैंडल एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि अमानवीयकृत किया गया है। एक युवक है, उनके प्राइवेट पार्ट पर जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया जाता है, उन चीज़ों को लेकर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, सरकार कार्रवाई कर रही है और करने वाले लोग, मैंने कहा ना कि इस बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उस अपराध में ज़्यादातर उन्हीं के लोग हैं, तो पता लगा रही है पुलिस जो है, दो आदमी को अरेस्ट भी किया है उसमें। अंतिम सवाल लेते हैं सर, राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस महीने के बाद जो है लगातार बीजेपी जो है टूटने का काम करेगी, बीजेपी का जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो टूटना प्रारंभ होगा। क्या उनको आदमी की कमी हो गई है? राष्ट्रीय जनता दल को आदमी की कमी लग रहा है कि उनका आदमी की कमी हो गई है इसलिए दूसरे को टूटने का इंतजार कर रहे हैं? उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब एक बार बीजेपी में आ जाते हैं तो राष्ट्रवाद के ध्वज को लेके ही दुनिया से फिर विदा होते हैं। घटना के लिए पूरा देश आश्चर्यचकित रह गया जिस तरह की घटना कोलकाता में घटी और जिस तरह से ममता बनर्जी जी की सरकार ने अपराधी को बचाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के माननीय न्यायालय को कि न्यायालय का जब इंटरफेरेंस हुआ तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और सीबीआई का जांच अभी चल रहा है। ममता बनर्जी इसको इस घटना में जो अपराधी को बचाने का प्रयास किया, पूरा देश इस बात को समझ गई है। तो मुझे लगता है कि कलकत्ता की घटना में दोषी को जितना जल्दी सजा मिले और ये जांच जितना जल्दी पूरा हो तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि फिर से इस तरह का विभत्स घटना नहीं घटेगा। सर, तेजस्वी यादव ने बहुत ज़्यादा आपके बयान पर बोल रहे थे। नहीं, मैंने तो कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अपना इतिहास को जरूर पहले झांक ले तब किसी पर आरोप लगाए, और जब इंसान अपना जब तक अपने बारे में नहीं बताएगा कि हमने भ्रष्टाचार कितना किया है और हमने हमारे समय में क्या अपराध होता था, इस बात को जब तक इंसान खुद में नहीं समझेगा तो दूसरे पर वो आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।